नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क, हर पल आपके साथ, और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। धामपुर पूरनदास गुरु ग्रंथ गुरुद्वारे पर क्षेत्रीय माफिया करना चाहते हैं कब्जा। सूचना मिलते ही पहुंचे सनातन हिंदू वाहिनी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष। धामपुर स्थित गुरु ग्रंथ साहिब गुरुद्वारा पनावदेव आश्रम के कार्यवाही महंत गुरुदास जी महाराज और मुख्य पुजारी पूरनदास महाराज जी द्वारा सनातन हिंदू वाहिनी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष महंत संजय नाथ ठाकुर को कई दिनों से जानकारी दी जा रही थी कि छात्र के कुछ दबंग माफिया कुछ प्रलोभी साधुओं के साथ षड्यंत्र रचते हुए आश्रम और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से एक साधु को फर्जी महंत बनाकर आश्रम के महंत पुजारी और सेवकों को जान से मारने की धमकी देते हुए आश्रम खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुख्य पुजारी ने बताया कि ये माफिया वही लोग हैं जिन्होंने पूर्व में फर्जी ट्रस्ट बनवाकर आश्रम की कुछ संपत्ति को बेचकर आया धन हड़प लिया है। हम इस मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष पहुंचे तो न्यायालय ने अपने सभी फैसले हमारे पक्ष में देते हुए उनके द्वारा बनाए गए ट्रस्ट को अवैध घोषित कर दिया गया। इसके पश्चात भी ये लोग लगातार षड्यंत्र रच रहे हैं और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी भी इनके साथ मिल चुके हैं, क्योंकि हम जब भी इनकी शिकायत अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से करते हैं तो उनके विरुद्ध कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे आहत होकर 2 दिन पूर्व इनके खिलाफ हमने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था। 2 दिन के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश अध्यक्ष सहित सभी लोग कोतवाली पहुंचे, जहां कोतवाल जी द्वारा गुमराह करने के उद्देश्य से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, जिसके उपरांत प्रदेश अध्यक्ष द्वारा उच्च अधिकारियों से फोन पर संपर्क किया गया तो सभी अधिकारियों ने न्यायपूर्वक कार्रवाई का आश्वासन दिया। आश्रम के मुख्य पुजारी पूरनदास ने कहा कि यदि आने वाली 25 तारीख तक दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो आश्रम से लेकर लखनऊ तक पदयात्रा कर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। आज हम लोग यहाँ आए थे गुरु ग्रंथ साहिब पूरनदास आश्रम से, पूरनदास जी के आश्रम से। हमारे साथ पूरनदास जी महाराज हैं, पूरनदास जी महाराज हैं, और ये कई लंबे समय से पीड़ित हैं, क्योंकि कुछ लोग षड्यंत्र के तरीके से पैसे के प्रलोभन देकर कुछ भ्रष्ट लोगों के जरिए इनके आश्रम पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने गुहार एसपी के आगे भी लगाई, सबके आगे लगाई। यदि हमें 2 दिन में अगर निर्णय नहीं मिला, कुछ हमें आश्वासन नहीं मिला या कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरनदास जी के नेतृत्व में हम सभी लोग सनातन हिंदू वाहिनी के, मैं स्टेप प्रदेश का अध्यक्ष हूँ सनातन हिंदू वाहिनी, मैं संजय नाथ मेरा नाम है, मैं अपने पूरे सहयोगियों को लेकर इनके साथ पद यात्रा करूंगा धामपुर से लेकर नगलोक तक की। इनको हम एस्टीमेट देंगे, हम कल एक बार कप्तान साहब से और मिलेंगे। अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई और संतोषजनक कोई जवाब नहीं आता है, दोषी नहीं पकड़े जाते हैं, तो ये यात्रा अवश्य होगी, इसे कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कुछ लोग भ्रष्टाचार ऐसे बैठे हैं कि आज गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन में भी भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं। आज अगर संत का स्थान और संत ही सुरक्षित नहीं है तो सनातन की रक्षा कहां से हो पाएगी, जब तक ऐसे प्रलोभी लोग बैठे रहेंगे। मेरा सबसे निवेदन है कि इस कार्य में सभी लोग, हमारे महंत पूरनदास जी, महंत पूरनदास जी, इन सभी का सहयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग यहाँ जुड़े। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खबर यूपी तक न्यूज नेटवर्क।